कहानियां, रोमांच और रहस्य, मूर्ति विसर्जन। उनके मानसिक रूप से कमजोर बेटे को जन्म देते समय ठाकुर सुबेदार सिंह की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। क्योंकि ठाकुर सुबेदार सिंह एक अमीर जमींदार थे, वो अपना एक उत्तराधिकारी चाहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक और विवाह कर लिया। उनकी नई पत्नी उर्मिला एक बहुत ही पवित्र स्त्री थी। उन्होंने अपने सौतेले बेटे कमल की खूब देखभाल करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद उर्मिला ने अपने बेटे को जन्म दिया। बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ बेटा था। उसका नाम योगेंद्र रखा गया। प्यार से उसको लोग बाद में योगी बाबा कहने लगे। बचपन से ही योगेंद्र बहुत नटखट और दुष्ट था। वो अपने सौतेले भाई कमल से घृणा करता था। उसकी माँ और परिवार के अन्य लोग उसको कई बार सिखाते थे कि उसको अपने भाई कमल से प्यार करना चाहिए, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। क्योंकि योगी बाबा या योगेंद्र ठाकुर सुबेदार सिंह जी का उत्तराधिकारी था, वो अक्सर उसकी बदमाशियों को नजरअंदाज कर देते थे और उसको कभी भी कुछ नहीं कहते थे। कुछ वर्षों के बाद योगेंद्र बहुत ही शक्तिशाली नौजवान बन गया। उसको शिकार का शौक था, परंतु वो गरीब गांव वालों को कई बार दंड देने लगा था। योगेंद्र का एक चरण नाम का पालतू कुत्ता था। वो बहुत ही विश्वास योग्य जानवर था। योगेंद्र के कहने पर वो किसी को भी काट लेता। वो कुत्ता योगेंद्र के सौतेले भाई कमल को भी बहुत कष्ट देता था, लेकिन योगेंद्र को कभी भी कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन उर्मिला घर में पूजा का आयोजन करवाया। वो फूलों और प्रसाद की थाली लेकर घर में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी। योगेंद्र और उसका कुत्ता चरण एक गेंद से खेल रहे थे। अचानक वो गेंद आकर पूजा के प्रसाद वाली थाली पर लगी। गेंद लुढ़ककर पूजा स्थल की तरफ चली गई। योगेंद्र ने चरण को गेंद लाने को कहा। उर्मिला ने चिल्लाकर कहा, खबरदार जो कुत्ते को पूजा के स्थान पर भेजा तो। लेकिन चरण योगेंद्र की बात मानता था। वो पूजा के पंडाल में घुस गया और सब चीजें उलट पलट कर दी। उर्मिला को बहुत गुस्सा आया और उसने चरण को पीटने के लिए एक छड़ी उठा ली। जैसे ही उसने कुत्ते को पीटने के लिए हाथ उठाया, योगेंद्र ने उर्मिला का हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह से मोड़ दिया। उर्मिला दर्द से चिल्ला उठी। ठीक उसी समय ठाकुर सुबेदार सिंह अंदर आ गए। उन्होंने योगेंद्र को खींचने का प्रयास किया, परंतु योगेंद्र ने उनको भी धक्का दे दिया और पीछे हटा दिया। परिवार के सभी सदस्य भौचक्के रह गए थे। योगेंद्र ने सबको चेतावनी दी कि वो आप अपनी सीमा में रहें। धीरे धीरे योगेंद्र ने घर पर अपना नियंत्रण जमा लिया और सब उससे डरने लगे। नवरात्रों के दिन थे। हर वर्ष गांव के मुख्य मंदिर में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता था। उस वर्ष मंदिर के पुजारी की बेटी वैभवी माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों का नृत्य में प्रदर्शन कर रही थी। गांव वाले ठाकुर सुबेदार सिंह के घर उनको आमंत्रित करने आए। योगेंद्र ने गांव वालों से कहा कि अब वो ठाकुर परिवार का मुखिया था, तो वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। बेचारे गांव वाले कुछ बोल नहीं सके, उन्होंने योगी को ही आमंत्रित कर लिया। उत्सव के दिन वैभवी ने एक बहुत ही सुंदर नृत्य किया। नृत्य के बाद पुजारी जी ने अपनी बेटी से ठाकुर परिवार के सदस्यों को प्रसाद देने को कहा और उनका आशीर्वाद लेने को कहा। जैसे ही वैभवी ठाकुर साहब के चरण छूने को झुकी, योगी ने अपने बाप को पीछे धकेल दिया और वैभवी से कहा कि वही परिवार का मुखिया था, इसलिए वैभवी को उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। वैभवी को गुस्सा आ गया और वो पीछे हटने ही वाली थी कि योगी ने उसको कहा कि वो बहुत अच्छी नृत्यकी थी। उसने वैभवी को अपनी हवेली में आकर नृत्य करने का निमंत्रण दिया और कहा कि वो उसको पैसे भी देगा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। योगी का कुत्ता चरण भी
उस समय योगी के साथ ही था। उसने वैभवी को काटने का प्रयास किया, परंतु योगी ने उसको रोक लिया। सभी लोग हैरान खड़े थे। योगी ने वैभवी से फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन योगी ने अपने माता पिता से कहा कि वो वैभवी से विवाह करना चाहता था। सभी लोग बहुत खुश हो गए और फिर वो सब लोग पुजारी जी के घर गए। वो सोच रहे थे कि वैभवी के साथ विवाह हो जाने के बाद योगी में परिवर्तन आ जाएगा। पुजारी जी ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार लिया। फिर एक शुभ दिन वैभवी और योगी का विवाह भी हो गया। वैभवी का नए घर में बहुत स्वागत हुआ। वो भी काफ़ी प्रसन्न दिख रही थी। एक दिन योगी गांव से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान वैभवी अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर चली गई। शादी में सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे। सभी लोगों ने वैभवी से नृत्य करने का अनुरोध किया। वैभवी ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उस पर पैसे और फूल फेंकना शुरू कर दिए। सभी लोग हैरान हो गए और वैभवी भी रुक गई। तभी योगी सामने आया और बोला, वाह शानदार, तुम तो एक मदिरालय में नृत्य करने वाली औरत की तरह नाचती हो। कितने पैसे कमाती हो तुम? लाखों रुपए कमाती होगी तुम तो। क्या तुम सिर्फ नाचती हो और या और सेवाएं भी देती हो? तुम रुक क्यों गई? सभी लोग हैरान होकर योगी को देख रहे थे, क्योंकि उसने सबके सामने वैभवी का अपमान कर दिया था। वैभवी को अपने पति के व्यवहार से बहुत ही निराशा हुई। योगी वैभवी को वहीं छोड़कर चला गया। जब वो घर अकेला आया तो उसके परिवार वालों ने वैभवी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो लोग वैभवी को भूल जाए। अगले दिन जब योगी अपने शरीर की मालिश करवा रहा था, ठीक उसी समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सभी लोग हैरान हो गए कि वो वैभवी थी। वो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। उसने सभी को नमस्कार किया और फिर वो योगी के पास जाकर पूछा कि उसको छोड़कर क्यों घर वापस आ गया था। वो बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। उस दिन के बाद वैभवी हमेशा ही सुंदर कपड़ों में नजर आने लगी। वो ऐसे व्यवहार करने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो योगी के कामों में भी दखल देने लगी। वो कमल को अपना भाई मानने लगी और उसको उसकी पहियों वाली कुर्सी पर बाहर घुमाने भी ले जाने लगी। कमल की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वैभवी ने योगी के कुत्ते चढ़ के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। परिवार का हर व्यक्ति वैभवी से स्नेह करने लगा। योगी खुद को बहुत ही असहाय महसूस करने लगा। एक दिन वैभवी ने योगी से चाय के लिए पूछा। योगी ने अन्य किसी स्थिति में उसको गुस्सा कर दिया होता, लेकिन उस दिन उसने कहा कि उसको चाय के साथ कुछ खाने को भी चाहिए था। जब वैभवी ने उसको चाय और नाश्ता लाकर दिया, योगी ने उसको कहा कि वो उसका दुश्मन नहीं था। उस दिन से ही योगी के व्यवहार में स्नेह प्रदर्शित होने लगा। वैभवी और घर के सभी लोग योगी के व्यवहार में इस सुखद परिवर्तन को देखकर काफी खुश थे। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि का उत्सव फिर आ गया। मूर्ति विसर्जन के दिन बहुत भीड़ थी नदी के किनारे। कमल भी था वहाँ। वहाँ सभी लोग एक बड़ी सी नाव पर सवार थे। सभी लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे थे। योगी ने भी थोड़ा सा लाल गुलाल लेकर वैभवी के सर पर मल दिया। वो बहुत ही खुश थी। योगी ने माँ दुर्गा की मूर्ति से लाल दुपट्टा लेकर वैभवी के इर्द गिर्द लपेट दिया और कहा कि वो माँ दुर्गा का प्रसाद था। आधा दुपट्टा मूर्ति के गले पर लिपटा था और आधा वैभवी के गले के इर्द गिर्द। वैभवी खींचकर पूरा दुपट्टा लेना चाहती थी। उसने खींचकर उस दुपट्टे के एक सिरे को मूर्ति के गले से छुड़ाना चाहा, पर तभी किसी ने उस मूर्ति को नदी में धक्का दे दिया। क्योंकि आधा दुपट्टा वैभवी के गले के इर्द गिर्द लिपटा था, वो भी मूर्ति के साथ खींचकर पानी में गिर गई। कमल अपनी कुर्सी से उठा और वैभवी की मदद करने पर वो भी नदी में गिर गया। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। तुरंत ही दो तीन लोग पानी में कूद गए और उन्होंने कमल को बचा लिया, परंतु उनको वैभवी नहीं मिली। दो दिन तक खोज जारी रही, परंतु वैभवी नहीं मिली। ठाकुर परिवार में शोक छा गया। आखिर यह मान लिया गया कि वैभवी की मृत्यु हो गई थी।
कमल की हालत भी ठीक नहीं थी, कुत्ता चरण भी बैठा, आंसू बहा रहा था। वो जाकर योगी के पांव चाटने लगा। एक बार योगी ने चरण को देखा और फिर अचानक ही उसको एक लात मार दी। योगी ने सबको देखकर चिल्लाया, वह भी मर गई है, वो मुझे बदलना चाहती थी, पर उसको इसका मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। योगी फिर से पहले जैसा कठोर हो गया, पर अब उसने कमल और चरण को पीटना शुरू कर दिया था। ठाकुर परिवार में सभी लोग सन्न रह गए थे। कमल की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और उसकी आवाज भी चली गई। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठे थे, योगी अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक घुंघरुओं की आवाज आने लगी, वो वैभवी के घुंघरुओं की आवाज थी। सभी लोग भयभीत हो गए। योगी उठकर आवाज की तरफ चल दिया। वो आवाज कमल के कमरे से आ रही थी। उसने देखा कि कमल बिस्तर पर था, तभी आवाज बंद हो गई। योगी ने कमल का कॉलर पकड़कर पूछा कि वो क्यों खेल खेल रहा था उसके साथ। बेचारा कमल कुछ नहीं बोल सका। योगी ने कमल को बुरी तरह से पीट दिया। उस दिन के बाद तो लगभग हर दिन ही घुंघरू की आवाज आने लगी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गलियारे में दौड़ रहा था। योगी को बहुत ही चिंता होने लगी। उसने कमल को पलंग के साथ ही बांध दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। योगी ने वैभवी के कमरे में जाकर उसकी चीजें बाहर से फेंकनी शुरू कर दी। एक घंटे के बाद वो रुक गया। जब दो घंटे तक योगी वैभवी के कमरे से बाहर नहीं आया तो सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। योगी की माँ देखने गई कि क्या हो रहा था उस कमरे में। वो जोर जोर से चिल्लाकर ठाकुर साहब को बुलाने लगी। सबने देखा कि योगी ने वैभवी की लाल साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर मेकअप और बिंदी लगाई हुई थी। उस समय योगी वैभवी की परछाई दिख रहा था। अचानक ही योगी ने वैभवी की तरह नाचना शुरू कर दिया। उसने जाकर माँ के और ठाकुर साहब के पांव छुए। सब लोग मिलकर उसको पकड़ने लगे, पर वो उसको पकड़ नहीं पाए। कुछ देर नाचने के बाद योगी बेहोश हो गया। डॉक्टर आया और उसने कहा कि शायद वैभवी की मृत्यु ने योगी को आतंकित कर दिया था। फिर भी उसने कहा कि योगी ठीक हो जाएगा। जब योगी को फिर होश आया, उसको कुछ भी याद नहीं था। सबने उसको बताया पर उसको विश्वास नहीं हुआ। उस दिन के बाद योगी अक्सर साड़ी पहनकर कमल के कमरे में जाने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। योगी कभी योगी बन जाता था, कभी वैभवी। नवरात्रि में योगी नृत्य करने गया, जैसा कि वैभवी करती थी। सभी लोग कहने लगे कि योगी में वैभवी की आत्मा आ गई थी। फिर से मूर्ति विसर्जन का दिन आ गया। जैसे ही मूर्ति को पानी में धक्का देने का समय आया, अचानक ही मूर्ति का दुपट्टा उड़कर योगी के शरीर के इर्द गिर्द लिपट गया। आधा दुपट्टा मूर्ति के इर्द गिर्द ही लिपटा हुआ था। किसी ने मूर्ति को धक्का दिया, मूर्ति के साथ योगी भी नदी में डूब गया। उस मूर्ति विसर्जन के दिन योगी का ठीक वैसा ही अंत हुआ जैसा उसने वैभवी का किया था। बहुत बहुत शुक्रिया।